और वही ग्रेटर नोएडा में बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में निवास कर रहे चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की किरकिरी हुई, उसके बाद LIU एक्शन मोड में नजर आ रहा है और विदेशी नागरिकों की फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया गया है। इस दौरान सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में रह रहे एक महिला समेत 14 चीनी नागरिकों का पता चला है, जिनकी बिजनेस वीजा की अवधि 2020 में एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ये विदेशी नागरिक भारत में रह रहे हैं। LIU की शिकायत के बाद थाना 49 पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेज दिया है और जहां से इन्हें देश डिपोर्ट किया जाएगा। आज सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में 14 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। LIU का पास इंफॉर्मेशन था कि 14 चीनी नागरिकगण, इन लोगों का वीसा एक्सपायर हो चुकी थी 2020 में और ये लोग ओवरस्टे कर रहे थे। इसमें 13 पुरुष और एक महिला है। ये लोग फेस टू थाना क्षेत्र में एक मोबाइल कंपनी में काम कर रहे थे। इन लोगों का बिजनेस वीज़ा 2020 में एक्सपायर हो चुकी थी और ये लोग एग्ज़िट परमिट के लिए अभी रिसेंटली अप्लाई किया गया था, जो रिजेक्ट हो गया था। इन लोगों का अभी डिटेंशन सेंटर भेजा गया है डिपोर्टेशन का कार्रवाई के लिए।